झारखंड की रसोईया संयोजिका महिलाएं बहनें पिछले 25 तारीख से धरने पर बैठी हुई है। अपनी मांगों को लेकर अस्थायीकरण सहित फोर ग्रेड की श्रेणी में शामिल करने, मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर के ये महिला रसोईया संयोजिका महिलाएं आंदोलनरत है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब तक सरकार इनकी ओर सूद नहीं ले रहा है। ये महिलाएं राजभवन के समप से धरने पर बैठी है, अपने और अपने परिवार से दूर बैठी है और काफ़ी गंभीर हैं। इनकी मांगे हैं कि इन्हें जो फोर ग्रेड की श्रेणी है झारखंड सरकार उसमें शामिल करे, मानदेय में बढ़ोतरी करे। हम बात करेंगे ये कब तक रहेगा और क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की। जी, हमारा मुख्य मांगे है कि सभी रसोईया संयोजिका को जिसको हटाया गया है लगभग 8,000 उसको वापस लिया जाए। सभी रसोईया संयोजिका को न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा जाए। सभी संयोजिका रसोईया को कम से कम 70 साल तक वहां पर नियुक्ति दिया जाए। काफी कुछ जो आप लोगों का कहना भी है, जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो काफी प्रशासन की तरफ से बर्बरतापूर्ण रवैया भी अपनाया गया, बर्बरतापूर्वक पीटा गया, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिस प्रशासन लोग घुसा मारे छाती में, और साड़ी भी खोला गया हमको ही, मेरा ही साड़ी खोला गया। उस दिन हम लोग सड़क जाम किए थे, उस समय बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे झारखंड में इस तरह का सरकार बैठी है जो हम महिलाओं का दर्द उसको नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं काफी गंभीर माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ पूजा की धूम है वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं रसोईया संयोजिकाएं जो धरने पर बैठी है वो पूजा को लेकर के कितनी गमगीन है, ये अपने परिवार तक नहीं पहुँच पा रही है। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, APN रांची।